सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत अवधि बढ़ा दी है। जयललिता आय से अधिक संपत्ति जमा करने के एक मामले में दोषी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैंकूवर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा खालसा दीवान में मत्था टेका और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। कनाडाई कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सुधारों पर तेजी से आगे बढ़ रही है और उसने रेलवे, बीमा और आवास जैसे क्षेत्रों को खोला है। छुट्टियों से लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे और यूपीए सरकार के लैंड एक्विजिशन लॉ में मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलाव पर उनके विचार को सुनेंगे। एनडीए सरकार द्वारा किसान विरोधी नीति अपनाने के विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि बीजेपी निज सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो कृषि के हितों का नुकसान पहुंचाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेता और एमएलए से कहा है कि वो बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने के दिल्ली सरकार के फैसले को लोकप्रिय करें। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में गिरावट से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 65 अंक कमजोर हो गया। विश्व महिला युगल रैंकिंग में नंबर एक बनी भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा है कि वो संन्यास लेने से पहले और अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहती हैं। राखी सावंत को बॉलीवुड की नई सनसनी सनी लियोनी से अपनी तुलना फूटी आंख नहीं सुहाती है। उनका कहना है कि उनकी तुलना सनी से ना करें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने खबर पख्तूनख्वा सरकार को आदेश दिया है कि वो साल 1997 में क्षतिग्रस्त और एक धार्मिक नेता द्वारा कब्जा किए गए हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण कराएं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।